हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दूनागिरी में। और आज हम बात करने वाले हैं दूनागिरी मंदिर के बारे में। दूनागिरी मंदिर एक हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के द्वारहट क्षेत्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ दूनागिरी मंदिर को द्रोणागिरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पर्वत पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी पड़ा था। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड सबसे प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में आता है। माँ दूनागिरी का यह मंदिर वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है। दोस्तों, दूनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडिया माता भगवती के रूप में पूजी जाती है। दूनागिरी मंदिर में अखंड ज्योति का जलना मंदिर की एक विशेषता है। दूनागिरी माता का वैष्णवी रूप में होने से इस स्थान में किसी भी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि मंदिर में भेंट स्वरूप अर्पित किया गया नारियल भी मंदिर परिसर में नहीं फोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुषेण वेद ने हनुमान जी से द्रोणाचार्य नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी द्वारा द्रोणाचार्य पर्वत उठाकर ले जा रहे थे तो वहाँ एक छोटा सा पर्वत का टुकड़ा गिरा। फिर उसके बाद इस स्थान में दूनागिरी मंदिर बनवाया गया। उसी समय से यहाँ पर कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। दूनागिरी देवी मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा नवरात्र के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये था दूनागिरी के बारे में, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, लव यू आप लोगों को।